नमस्कार, मैं पंकज ग्रोवर, सहायक आचार्य अकाउंटेंसी राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के एबीएसटी सेकेंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पर चर्चा करेंगे। लास्ट पीरियड में आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मीनिंग बताया गया था, पुनः हम यहाँ थोड़ा सा समर्पण कर लेते हैं। लागत के तत्व क्या होते हैं? तो किसी भी वस्तु के निर्माण पर होने वाले खर्चों को तीन भागों में बांटा जाता है। किसी भी वस्तु के निर्माण पर होने वाले खर्चों को तीन भागों में बांटा जाता है और ये तीन लागत के तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, जिसमें प्रथम है मटेरियल, सामग्री, सामग्री की लागत। दूसरा है लेबर, श्रम, लेबर कॉस्ट। तीसरा है एक्सपेंसेस, व्यय। किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो ये तीनों खर्चे ही उस वस्तु की कुल लागत में शामिल किए जाते हैं। उन्हें इन्हें दो दो भागों में बांटा जाता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो किसी एक निश्चित लागत के अंदर या लागत इकाई से संबंधित होते हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं और ऐसे खर्चे जिनका लाभ एक से अधिक लागत केंद्रों या इकाइयों को प्राप्त होता है उन्हें इनडायरेक्ट कहा जाता है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो। अब ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इन्हें कुल मिलाकर ओवरहेड कहा जाता है, ऊपरी व्यय कहा जाता है। और इन ऊपरी व्ययों को आगे फिर पुनः इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कारखाना ऊपरी व्यय, प्रशासनिक ऊपरी व्यय, विक्रय और वितरण ऊपरी व्यय, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, ऊपरियों का वर्गीकरण। जो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्हें ही ऊपरी व्यय ओवरहेड कहा जाता है। इन्हें पुनः हम चार भागों में बांट सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब हम इनकी एक एक करके चर्चा करेंगे। नंबर प्रथम है फैक्ट्री ओवरहेड, जिन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। किसी भी वस्तु के निर्माण में, किसी भी वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और अन्य प्रत्यक्ष खर्चों के अतिरिक्त बहुत से अन्य अप्रत्यक्ष खर्चे भी कारखाने में होते रहते हैं। ये अप्रत्यक्ष खर्च कारखाना अप्रत्यक्ष खर्चे, फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें वर्क्स ओवरहेड भी कहा जाता है, इन्हें प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहा जा सकता है, इन्हें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या ओवरहेड भी कहा जा सकता है। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कारखाने का किराया, दर, बीमा, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, कारखाना प्रयोग और अनुसंधान के व्यय, कारखाने के सेवा विभाग जो कारखाने में होते हैं, मरम्मत विभाग, ताप घर, अनुरक्षण विभाग के व्यय, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस, नक्शा विभाग के व्यय, श्रम कल्याण व्यय, कार्यहीन समय की लागत, ओवरटाइम वेजेस, फोरमैन सुपरवाइजर का वेतन, स्टोर सामग्री की हानि, तेल, ग्रीस, जूट, केले आदि, और भी बहुत से हो सकते हैं। इनडायरेक्ट लेबर अप्रत्यक्ष श्रम, तो ये फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड के उदाहरण हैं। इसी तरह से दूसरा है ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कारखाने में होने वाले अप्रत्यक्ष खर्चों के अतिरिक्त बहुत से अप्रत्यक्ष खर्चे ऐसे होते हैं जो व्यवसाय के सामान्य प्रशासन पर किए जाते हैं, जो ऑफिस में होते हैं।
इन्हें प्रशासनिक उपरिव्यय या प्रशासनिक लागत भी कहते हैं। कार्यालय से संबंधित समस्त अप्रत्यक्ष खर्चे प्रशासनिक उपरिव्यय होते हैं। प्रशासनिक उपरिव्ययों में नीति निर्धारण संबंधी लागत सम्मिलित होती है। इन खर्चों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कार्यालय में काम आने वाली स्टेशनरी, पोस्टेज, कार्यालय भवन, मशीनें, फर्नीचर, ऑफिस में जो मशीनें, फर्नीचर, उपकरण होते हैं उन सबका डेप्रिसिएशन, उनका बीमा, उनका किराया, दर, मरम्मत आदि। कार्यालय में जो कर्मचारी काम करते हैं उनका वेतन, बैंक व ऑडिट फीस, डायरेक्टर फीस, मैनेजर फीस, ये सब। अब अगला जो है थर्ड टाइप है सेल्स ओवरहेड, विक्रय उपरिव्यय। ऐसे खर्चे जो विक्रय वृद्धि एवं ग्राहक संतुष्टि से संबंध रखते हैं, वो विक्रय उपरिव्यय कहलाते हैं। जैसे विज्ञापन, विक्रय कर्मचारियों का वेतन कमीशन, शोरूम के व्यय, टेंडर बनाने के व्यय, मूल्य पत्र या नमूनों आदि की लागत। विक्रय विभाग सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है, जिसका काम सेल्स करना होता है, उसकी स्टेशनरी, टेलीफोन, सेल्स विभाग के कर्मचारियों का वेतन, पोस्टेज आदि के खर्चे। इसमें वो सभी खर्चे शामिल किए जाते हैं जो मांग को उत्पन्न करने, उसे बढ़ाने, ऑर्डर प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। कभी कभी ऐसे व्ययों को मार्केटिंग संबंधी खर्चे, विपणन संबंधी खर्चे भी कहा जाता है। फोर्थ एंड लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें वस्तु की पैकिंग करने से लेकर वस्तु को या माल को ग्राहक तक माल पहुंचाने में जो भी खर्चे किए जाते हैं वो शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार के व्ययों के उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं, गोदाम का किराया, कैरिज आउटवर्ड, जावक गाड़ी बड़ा, स्पुर्दगी वाहनों के डिलीवरी वैन्स के एक्सपेंसेस, पैकिंग सामग्री के व्यय, रास्ते में या मार्ग में माल को क्षति आदि। तो ये आपके सामने उपरिव्ययों का वर्गीकरण है। उपरिव्यय मीन्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मीन्स ऐसे व्यय जिनका लाभ केवल किसी एक निश्चित लागत केंद्र या लागत इकाई को प्राप्त न होकर अनेक लागत केंद्रों और इकाइयों को प्राप्त होता है, वो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनडायरेक्ट चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही मिलाकर ओवरहेड कहलाते हैं। और इन ओवरहेड को हम आगे चार भागों में बांट सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिनकी डिटेल आपके सामने इस पेज पर दी गई है। तो ये हमारा टॉपिक आज का पूरा होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। थैंक यू सो मच। पॉज कर दूं।